एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ड्रूम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे होंडा CB350 RS की। ये बाइक इंडियन मार्केट में इसी साल फरवरी महीने में लॉन्च की गई थी एंड इसकी कीमत है ₹1.99 लाख से ₹2.00 लाख एक्स शोरूम दिल्ली। ये बाइक आपको दो कलर ऑप्शंस में मिलती है। इसका जो पहला कलर है वो एक सिंगल टोन कलर है जिसका नाम है मेटलिक रेड, और इसका जो दूसरा कलर ऑप्शन है वो एक डुअल टोन कलर है जिसका नाम है येलो एंड ब्लैक। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे आपको होंडा CB350 के प्रोस एंड कॉन्स के बारे में, यानी कि इस बाइक के अंदर क्या कुछ खास बातें हैं, क्या कुछ अच्छे फीचर हैं एंड होंडा कहाँ पे इम्प्रूव कर सकता था, सुधार की गुंजाइश किन किन एरियाज़ में है, ये सब हम आपको बताने वाले हैं हमारे इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं बाइक के प्रोस के साथ। तो जो इसका सबसे पहला, जो सबसे अच्छी चीज़ हमें लगी, जो बेस्ट फीचर मुझे पर्सनली लगा, वो है इसका होंडा स्विचेबल टॉर्क कंट्रोल फीचर। ये एक ऐसा फीचर है जो कि रियर टायर को ज़्यादा ट्रैक्शन देने के लिए होंडा ने इस बाइक के अंदर इंट्रोड्यूस किया है, कि अगर आप किसी स्लिपरी सरफेस पर राइड कर रहे हैं तो आप ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन कर सकते हैं और ये आपके टायर को काफ़ी, रियर टायर को काफ़ी अच्छा टॉर्क प्रोवाइड करता है। ये एक स्विचेबल फीचर है, यानी कि जब अगर आप ऑफ रोडिंग कर रहे हैं तब आप इस फीचर को स्विच ऑफ भी कर सकते हैं, और ये सब करना भी बहुत ईजी है। इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को, जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इसके पास दो बटन हैं, एक आपको उस बटन को लॉन्ग प्रेस करना है और ये फीचर अपने आप बंद हो जाएगा। अगर आप इसको वापस एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपको उस बटन को एक बार प्रेस करना है और ये फीचर वापस से एक्टिवेट हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये फीचर एक बहुत ही इनोवेटिव फीचर है एंड इस बाइक को ये फीचर काफ़ी खास बनाता है। होंडा सेलेक्टेबल टॉर्क कंट्रोल के बाद अब बात करते हैं बाइक के दूसरे सबसे बेस्ट फीचर की, जो कि है इसका एग्जॉस्ट नोट। जी हाँ, अगर आप देखेंगे, सिंस ये क्रूज़र मोटरसाइकिल है एंड इसके राइवल्स हैं रॉयल एनफील्ड की बाइक जैसे कि मीटियोर, क्लासिक 350 एंड बुलेट, तो सेम टू सेम होंडा ने इस बाइक का एग्जॉस्ट नोट बहुत ही एग्रेसिव और बहुत ही रोरिंग रखा है। बिकॉज अगर इसको रॉयल इनफील्ड की बाइक्स के सामने कम्पीट करना है तो एग्जॉस्ट नोट दमदार होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जब भी कोई रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 या मीटियोर निकलती है तो लोग उसके एग्जॉस्ट नोट यानी साइलेंसर के साउंड को सुन के काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। तो यही काम होंडा के इंजीनियर्स ने यहाँ पे CB350 RS में किया है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अभी अगर वीडियो के अंदर अभी मैं इसको एक्सेलरेट कर रहा हूँ, अब आप इसका एग्जॉस्ट नोट सुन सकते हैं कि ये कितना रोरिंग है। एग्जॉस्ट नोट के बाद अब इसका अगला फीचर जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया एंड हम उम्मीद कम ही कर रहे थे कि होंडा ये फ़ीचर इस बाइक में इंट्रोड्यूस करेगा, तो वो फ़ीचर है स्लिपर एंड असिस्ट क्लच। होंडा CB350 RS में आपको मिलता है स्लिपर एंड असिस्ट क्लच, जो कि इस बाइक के राइडिंग एक्सपीरियंस को एक नेक्स्ट लेवल तक लेके जाता है। अगर आप क्लच लीवर को देखेंगे और आप उसको प्रेस करेंगे तो बिकॉज ऑफ द स्लिपर एंड असिस्ट क्लच ये काफ़ी लाइट है पुश करने में, एंड साथ ही साथ स्लिपर एंड असिस्ट क्लच का सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये अपने आप में एक बैक टॉक लिमिटर की तरह एक्ट करता है, एंड साथ ही साथ ये इस तरह से फंक्शन करता है ताकि आपकी जो रियर टायर है उस वो स्किडिंग से बचे और साथ ही साथ क्लच प्लेट्स के ऊपर उतना ज़्यादा प्रेशर ना आए और उनको प्रेशर से ये थोड़ा रिलीव्ड रखता है। इसलिए स्लिपर एंड असिस्ट क्लच किसी भी बाइक की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। तो जैसा कि अभी हमने आपको बाइक के टॉप 3 फीचर्स या प्रोज या फिर आप यूँ भी कह सकते हैं जो इस बाइक के USPs हैं उनके बारे में बताया, लेकिन अब हम बात करेंगे इस बाइक के कॉन्स के बारे में। कॉन्स से मेरा मतलब है कि कहाँ कहाँ पर होंडा इस बाइक में सुधार कर सकता था, कहाँ कहाँ पर इम्प्रूवमेंट के लिए रूम है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये एक सेमी डिजिटल यूनिट है यहाँ पे। इसमें आपको कई तरह की इन्फॉर्मेशंस भी मिलती है, बट यहाँ पे जो सबसे बड़ी लैकिंग है या सबसे बड़ी मिस मैं कहूँ तो वो है यहाँ पे ब्लूटूथ कनेक्टिविटी का ना होना एंड टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर का मिस होना। अगर आप देखेंगे तो होंडा CB350 RS का मेन राइवल है रॉयल एनफील्ड मीटियोर, एंड मीटियोर के अंदर टर्न बाय टर्न नेविगेशन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ साथ ऑफर किया जाता है, एंड ये फीचर लोगों को काफ़ी पसंद भी आया है जो कि मीटियोर ऑन करते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर होंडा यहाँ पे टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर इंट्रोड्यूस कर देता विद ब्लूटूथ कनेक्टिविटी तो ये बाइक एक और ज़्यादा डिज़ायरेबल पैकेज के रूप में उभर कर सामने आती एंड लोग इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते, बजाय कि अभी जब ये फ़ीचर इस बाइक के अंदर नहीं है।
तो टर्न बाय टर्न नेविगेशन फीचर के बाद अब हम बात करते हैं होंडा सी बी 350 आर एस के सेकेंड कोन की। जैसा कि आप देख सकते हैं ये बाइक आपको ऑफ़र की गई है सिर्फ दो कलर ऑप्शंस में, एक सिंगल टोन है और एक डुअल टोन है। जबकि अगर आप इसके प्रोमिनेंट राइवल रॉयल एनफील्ड को देखें तो उनकी मोटरसाइकिल्स, ऑलमोस्ट हर मोटरसाइकिल काफ़ी सारे कलर ऑप्शंस में आती है, मिनिमम आपको 5 to 6 कलर्स तो मिलते ही हैं। और यही नहीं, होंडा की खुद की जो दूसरी 350 सीसी बाइक है हाईनेस, वो भी आपको 4 से 5 कलर ऑप्शंस के अंदर मिलती है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अगर आप एक बाइक को सिर्फ दो कलर ऑप्शंस में, यानी कि एक सिंगल टोन और एक डुअल टोन कलर के अंदर अगर ऑफ़र करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे यूज़र को या कस्टमर को थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। बिकॉज़ ये जो सेगमेंट है क्रूज़र सेगमेंट, अगर इसके अंदर आप कलर ऑप्शंस ज़्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक बाइक ज़्यादा डिज़ायरेबल बनेगी, ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी, एंड यूज़र के पास भी काफ़ी ऑप्शंस होंगे चूज़ करने के लिए। बट सिंस यहाँ पे आपको दो ही कलर ऑप्शंस मिलते हैं, तो यहाँ ये थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ टाइप लगता है। एंड हमें ऐसा अंदर से फील होता है कि होंडा को यहाँ पे इस बारे में सोचना चाहिए एंड जल्द से जल्द इसके कुछ नए और कलर ऑप्शन निकालने चाहिए। तो कलर ऑप्शंस के बाद अब बात करते हैं होंडा सी बी 350 आर एस के प्रोबेबली लास्ट कोन की, जो कि हमें लगता है इसका हॉर्न है। अगर आप देखेंगे तो इसके हॉर्न की पोजिशनिंग थोड़ी बहुत ऑकवर्ड है एंड साथ ही साथ इसका साउंड भी कोई उतना ज़्यादा खास नहीं है। यहाँ पे होंडा ने एक बहुत ही ऑर्डिनरी यूनिट का यूज़ किया है एंड हम उम्मीद कर रहे थे कि यहाँ पे होंडा एक बेटर पैकेज इंट्रोड्यूस कर सकता था, एक प्रीमियम क्वालिटी एंड अप मार्केट क्वालिटी का हॉर्न भी यहाँ पे इंट्रोड्यूस हो सकता था। बिकॉज़ ये एक काफ़ी क्रिटिकल कंपोनेंट होता है किसी भी बाइक का, बिकॉज़ रोड ट्रैफिक के दौरान राइडर्स काफ़ी यूज़ करते हैं हॉर्न का। तो हमें ऐसी पूरी उम्मीद थी कि यहाँ पे एक बेटर पैकेज मिलेगा, बट सिंस वो नहीं हो पाया तो हम यही उम्मीद करते हैं कि होंडा इसके फेसलिफ्टेड वर्जन में या इसका जो भी नया कोई अपडेट आएगा अब, उसके अंदर एक बेटर हॉर्न इंट्रोड्यूस करेगा ताकि राइडर्स को वो पसंद आए। तो दोस्तों ये तो बात हुई होंडा सी बी 350 आर एस के टॉप 3 हिट्स एंड मिसेज की। अगर आपको इस बाइक के फीचर्स के बारे में, डिज़ाइन के बारे में विस्तार से जानना है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके इसका वॉक अराउंड वीडियो देख सकते हैं, जहाँ पे हमने इसके डिज़ाइन एंड फीचर्स के बारे में काफ़ी डिटेल में बात की है। एंड साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में हमें बता भी सकते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपकी कोई इंक्वायरी है होंडा सी बी 350 आर एस के बारे में तो आप वो भी हमसे वहाँ पर पूछ सकते हैं एंड इसमें हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। एंड साथ ही साथ अगर आप किसी और बाइक का रिव्यू या फिर किसी और बाइक के बारे में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें वो भी बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द आपके लिए वो लेकर आएंगे। और अब जल्दी आपसे मुलाकात होगी एक नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए स्टे सेफ, राइड सेफ।